जिस प्रकार से कपड़े पर लगे हुए किसी दाग को साबुन या सर्फ के माध्यम से साफ कर दिया जाता है, जिस प्रकार से जल से स्नान करने से शरीर की समस्त गंदगी को दूर कर दिया जाता है, उसी प्रकार मेरी मातों बंधुओं, ये पवित्र विचारों की श्रृंखला यदि मनुष्य के मानसिक मंडल में समाहित हो जाए तो उसके जन्म जन्मांतरों के कलुषित विचारों को धोने का कार्य कर देती है। ध्यान रखिएगा, पर ये होती तभी है जब व्यक्ति स्वयं से संकल्पित होकर के इस मार्ग में बढ़ता है, और जिसने इस मार्ग में बढ़ने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया तो उसके विषय में गोस्वामी बाबा तुलसीदास बड़ा सुंदर लिखते मानस में कि अति प्रभु कृपा जाई पर होई पावत है यही मार्ग सोई। अभी आदरणीय संचालक जी बता रहे थे कि उन्होंने किसी को प्रेरणा दी और बदले में उनके शब्द क्या थे। मैं एक बात आप लोगों को कह दूं, अगर पकड़ सको तो पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये जो विचार यहाँ पर चल रहे हैं, ये जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, आपको क्या लगता है ये सबके लिए रुचिकर होगा? यज्ञ हो रहा है, धर्म का कार्य है, वेद के विचार प्रवाहित हो रहे हैं, भगवान श्री राम की जीवन गाथा चल रही है, आपको क्या लगता है ये सबको अच्छा लगेगा? नहीं। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं है ये दूसरे को भी उतना ही प्रभावित करे। क्यों? दूसरा अपने अभागेपन को दूर करना चाहता ही नहीं तो उस पर कृपा कैसे होगी ईश्वर की? यह कृपा भी तो उसी पर बरसती है ना जो इस मार्ग में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है। इसी समय में ध्यान रखिएगा, अगर आप समय देखेंगे, इसी समय में बहुत सारे लोग वो होंगे जो बैठ करके योजना बना रहे होंगे कि मुझे चोरी करनी है तो मैं स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे करूंगा। बहुत सारे व्यक्ति इस पूरे पृथ्वी पर इस समय में ऐसे होंगे जो बैठ करके ये योजना बना रहे होंगे कि मुझे किसी का कत्ल करना है तो मुझे वो कैसे करना है। बहुत सारे व्यक्ति इसी समय में, 5:11 मेरी घड़ी में हुए हैं, इसी समय में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो बैठ करके मेरी मातों बंधुओं योजना बना रहे होंगे कि मुझे पता लगा किसी को धोखा देना है तो कैसे देना है, छल करना है तो कैसे करना है, कपट करना है तो कैसे करना है, झूठ बोलना है तो कैसे बोलना है। लेकिन इसी समय में आप यहां पर बैठे हो और आप बैठ करके ना तो अनाचार की योजना बना रहे हो, ना अत्याचार की योजना बना रहे हो, ना पापाचार की योजना बना रहे हो, ना भ्रष्टाचार की योजना बना रहे हो। आप परमात्मा का धन्यवाद करो कि आप सब यहां एकत्रित होकर के केवल और केवल सदाचार की योजना बना रहे हो। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने उसी बात को लिखा जिसको मानस में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अति प्रभु कृपा जाई पर होई, जिस पर परमात्मा की अति विशेष कृपा होती है, पावत है यही मार्ग सोही, उसे ही मार्ग अच्छा लगता है, ये बातें अच्छी लगती है। सबको नहीं, सबको नहीं, उन्हें अच्छी लगती है। और इसलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार प्रकाश में क्या लिखा, हम तो कह देते दया करो प्रभु, कृपा करो प्रभु, हमें लगता है दोनों चीजें एक ही हैं, पर ऋषि दयानंद एक क्लेरिफिकेशन देते हैं कि स्पष्टता देते हैं, दोनों चीजें एक नहीं है, दया अलग है और कृपा, जोर से बोलो, दया के लिए आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दया तो परमात्मा की सब पर है, उसका सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, उसका चंद्रमा सबको उजाला दे रहा है। अगर ये व्यवस्था मनुष्य के हाथ में होती तो जरा सोचो क्या होता। इससे मेरी शत्रुता है, इसके घर का सूर्य वाला मीटर काटना जरा एक बार जल्दी,
अगर ये डिपार्टमेंट मनुष्य के हाथ में होते तो जरा सोचो क्या होता, थिंक अबाउट इट। पर ये परमात्मा के हाथ में है ना, चाहे उसे कोई गाली दे और चाहे उसके नाम की कोई बैठ के ताली बजा रहा हो, उसका सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, उसका जल सबके लिए, अन्न सबके लिए, औषधियां सबके लिए, पृथ्वी सबके लिए, ये उसकी दया है। पर कृपा क्या है? बस यही कृपा है जिसके अंतःकरण में बुरे विचारों का त्याग करने का ख्याल आ गया और अच्छे मार्ग पर चलने की बात आ गई, सोच लेना उस पर परमात्मा की कृपा, जोर से बोलो, बरस रही है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए लेकिन तब भी ईश्वर का दामन नहीं छोड़ रहा है व्यक्ति, तो सोच लेना परमात्मा की कृपा, जोर से बोलो, बरस रही है। और जब उसे पहाड़ जैसी विपत्ति भी राई के समान प्रतीत होने लगे और तब भी उसका धैर्य बना रहे, वाणी पर नियंत्रण बना रहे, व्यवहार पर नियंत्रण बना रहे, उसके आचरण पर नियंत्रण बना रहे, तो सोच लेना परमात्मा की कृपा, जोर से बोलो। नहीं तो जरा जरा सी बातों से इतना विचलित हो जाता है व्यक्ति, जरा सा थोड़ा सा नुकसान हुआ और तुरंत गालियों पर गालियां, और तुझे ये कर दूर, तुझे उठा के पटक दूर, तुझे देख लूर, तुझे ये कर लूं, पता नहीं क्या क्या। भाइयों भाइयों में झगड़ा चल रहा है और जानते हो बड़ा भाई छोटे को क्या कह रहा है? सुन कान खोल के। तर्जनी उंगली उठाई, हवा में लहराई और उसकी लैंग्वेज क्या थी? सुन बे कान खोल के, राम की कसम तुझे कोर्ट में घसीटूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कसम किसकी खा रहा है? कह तो दो एक बार। ओहो, और धमकी कितनी जबरदस्त है, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैंने कल कहा था, लोगों ने नाम रटने में तो महारत हासिल कर रखी है, पीएचडी, पीएचडी, इतनी पीएचडी, इतनी पीएचडी कि रामा रामा हरे हरे हलवा खाओ, इतनी पीएचडी। पर जैसा कि मैंने कहा था, जब तक राम जैसे काम नहीं होंगे, राम जैसा चरित्र नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। चरित्र बनाना है तो आइए उस चरित्र को सुनते हैं, उस योग्यता को सुनते हैं, और ये सोच करके सुनना कि हे प्रभु, जिस चरित्र को हम सुन रहे हैं मेरे नाथ, थोड़ी सी पात्रता तो हम में भी आ जाए। यदि वो पात्रता हमारे जीवन में समाहित होती है तो सुनने का लाभ है, क्योंकि वेद माता भी कहती है, सम श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधसी। सुनना एक पार्ट है और उसे जीवन में अपनाना दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है। आप सुने, सुनकर के अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि सुनने वाला कहने वाले से हमेशा बड़ा माना जाता है। सुनना कोई आसान काम नहीं है, ये मत सोचना कि सुनना आसान काम है। आज जानते हो दिक्कत क्या है संसार की? पति कह रहा है माथा पकड़ करके, पत्नी हमारी बात सुनती, जोर से बोलो, और उधर पत्नी के पास में जाओ, उनके श्री चरणों में जाकर के निवेदन करो, देवी जी जरा सुन लिया करो, तो उधर देवता जी की बात को लेकर के पत्नी कहती है, क्या बात कर रहे हो आप? अरे कोई इन्हें जाकर के समझाओ, क्योंकि ये एक भी मेरी, जोर से बोलो, बच्चों से जाकर के पूछो, बेटे माँ बाप का मामला ठीक है ना? बोले ठीक। अरे कोई एक्सचेंज ऑफर हो तो बता दो, हम माता पिता बदल के ले आए कहीं। मैंने कहा क्यों? बोले ये मम्मी पापा हमारी एक भी बात, और उधर मम्मी पापा से पूछा तो क्या कहते हैं? भगवान ये बच्चे तो हमारी एक भी, जोर से बोलो। सुन कोई नहीं रहा। किसी की नहीं सुन रहा है। पर सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए
वशिष्ठ जी की बातों को कौन सुन रहे हैं? महाराज दशरथ सुन रहे हैं, है ना। कल कथा में कौन कौन आए थे? चलिए, ज्यादातर ऐसे बैठे हुए हैं जिनसे कल का भाग छूट चुका है, आगे ना छोटे प्रयास कीजिएगा। महाराज दशरथ के दरवाजे पर मुनि विश्वामित्र उस समय पहुंचे हैं जब श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ में शिक्षा दीक्षा पूरी करके आ चुके हैं। और आकर के महाराज दशरथ से अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए प्रार्थना की है, श्री रामचंद्र जी को ले जाने के लिए। महाराज दशरथ का अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रति बड़ा मोह है। वैसे तो महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों से बड़ा प्रेम करते हैं, पर परिवार में कहते हैं जिस संतान की योग्यता ज्यादा होती है या जो माता पिता के अधिक अनुकूल होता है, माता पिता का स्नेह उस संतान पर थोड़ा अधिक होता है। वैसे ही स्नेह के पात्र हैं श्री राम। महाराज दशरथ को लगता है राम अभी बालक है, मैं अपने बालकों को रावण के राक्षसों से लड़ने के लिए कैसे भेज दूं, क्योंकि रावण तो दशानन है। और दशानन शब्द का अर्थ लोगों ने लिया कि रावण के 10 सिर थे। कितने बोलो? 10। पर महर्षि वाल्मीकि जी ने दशानन शब्द का अर्थ किया कि दशानन वो है जिसकी वीरता, और कहते हैं जिसकी चर्चा दसों दिशाओं के अंदर थी, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी, इस रूप में भी कि वो वेदों का भारी पंडित है, इस रूप में भी कि वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी है, इस रूप में भी कि वो शिव को बहुत मानने वाला है, शिव परमात्मा का ही नाम है, और मेरी मातों बंधुओं इस रूप में भी फैली हुई थी कि पुलस्त्य वंश में पैदा होकर के, ऋषियों के कुल में पैदा होकर के भी उसका व्यवहार राक्षसों जैसा है, इसलिए उसे कोई पंडित नहीं मानता था, उसे सब राक्षस कहकर के संबोधित करते थे। ध्यान रखना, बद से बदनाम बहुत बुरा होता है, और बड़ों ने कहावत कही है नेकी नोकोस और बदी सोकोस। आप कुछ अच्छा कार्य कर दें तो आचार्य जी बड़ी धीमी गति से चलता है, पर आप कुछ गलत कार्य कर दें तो तुरंत के तुरंत उसकी कंट्रोवर्सी फैल जाती है कि नहीं फैल जाती है। इसलिए आजकल लोगों को कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का इतना शौक है, इतना शौक है कि लोग कहते हैं बस एक उल्टा बयान दे दो और तुरंत फैल जाओगे तुम सोशल मीडिया पर। और होता भी यही है, होता है कि नहीं होता है बोलो? होता है ना? ओहो, होता है। 10 लोग आपके पड़ोस में बिल्कुल शांति से सुख से सोए, उनकी चर्चा कोई नहीं करेगा, और एक ने शराब पी करके उधम मचा दिया, वो अगले दिन सबका विषय बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सबका विषय। हम अच्छी चर्चा करते ही नहीं, और बुरी चर्चा कितनी करवा लो हमसे, और मुझे माफ करना माताओं। एक जगह एक लगी हुई है बहन जी फोन पर, और फोन पर लगी हुई आधा घंटे तक फलानी ऐसी, ढिमकी ऐसी, ये ऐसी, वो ऐसी, और आधा घंटे तक चर्चा करने के बाद में जानते हो क्या बोली? ए बहन, हम तो किसी के विषय में कुछ कहते नहीं। हम तो कुछ नहीं कहते। और दूसरी बात तो सुन के मुझे ऐसा लगा कि मैं छत से ही कूद जाऊं। आधा घंटे तक लगी हुई है और दूसरी बात क्या बोल रही? अच्छा, मैं फ्री होके फोन करूंगी, अभी टाइम नहीं है। यहां तो नहीं बैठी ना कोई ऐसी? हाँ, ये तो सब देवियां हैं बिल्कुल है। गलत बातें कितनी करा लो हमसे, अच्छी बातें नहीं। तो रावण की जो चर्चा थी वो इस रूप में दूर दूर तक फैली हुई थी, आतंक था उसका। अब बताओ, दुनिया का कौन सा बच्चा बच्चा नहीं है जो ओसामा बिन लादेन को ना जानता हो? जानता है कि नहीं जानता? भले ही मर गया ओसामा, सब जानते हैं।
ऐसे ही जो राक्षस थे वो भी रावण के थे, रावण को सब जानते थे। महाराज दशरथ ने कहा रावण के राक्षसों से कैसे लड़वा दूं, मना किया। मुनि विश्वामित्र उठ के चल पड़े। महर्षि वशिष्ठ ने जब राजा दशरथ को सुनाना शुरू किया, असर हुआ, उन्होंने रोका, महाराज मुझे क्षमा करो और मैं अभी भेज देता हूँ। तुरंत श्री रामचंद्र जी को बुलवाया, नियम अनुसार लक्ष्मण पीछे पीछे आए और दोनों भाइयों को महाराज दशरथ कहते हैं, बेटे तुम्हें मुनि विश्वामित्र के साथ जाना है, जरा विचार करना। वो पक्ष ऐसा है मेरी मातों बंधुओं कि जहाँ पर पिता आदेश देता है बेटे ये करना है, और बेटे हाथ जोड़ करके कहते हैं जो आज्ञा पिताश्री। बेटों ने पलट करके ये नहीं कहा कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। और सोचो जरा रामायण महत्वपूर्ण क्यों है। उस समय एक पिता जिसके बेटे गर्दन झुका करके ये बोलते हैं जी पिताजी, हाँ पिताजी, जो आज्ञा पिताजी, वो पिता एक दिन रोता है कि हे प्रभु मैं तुझसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, अगर मैंने सच्चे मन से तेरी भक्ति की हो तो बस एक बार ऐसा हो जाए कि मेरा बेटा मेरी बात न माने, बस एक बार। आज माँ बाप घर के कोनों में घुस घुस के इसलिए रोते हैं कि एक बार बेटा हमारी बात जोर से बोलो, इसलिए भी महत्वपूर्ण। पिताजी ने कहा जाना है, वहां ये तो कहा ही नहीं कि पैकिंग तो कर लें, क्यों भेज रहे हो लड़वाने के लिए, हम ही मिले क्या, नहीं हाथ जोड़े, हाँ ठीक है, और कर दिए पीछे पीछे। राजाओं के बेटे, आज किसानों के बेटे बॉर्डर पर लड़ते हैं और राजा बैठ करके संसदों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि मरने के बाद उनकी विधवाओं को 20-20 लाख रुपए दे तो दिए तो रोने की क्या जरूरत है। पर जरा ध्यान रखना, एक कवि है विनीत चौहान बड़ौत उत्तर प्रदेश के, वो लिखते हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को और सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, अरे लो मैं 20-20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। उस समय क्षत्रिय लोग रक्षा करते थे, ध्यान रखना। इसलिए एक राजा भेज रहा है अपने पुत्रों को, जाओ बेटे यज्ञ की रक्षा के लिए जाओ, और गुरुवर जैसा कहे उनकी आज्ञा का वैसा वैसा पालन करना, भेज दिए। कहते हैं मुनि विश्वामित्र दोनों को लेकर के चले, और जब दोनों को लेकर के चले तो प्रथम रात्रि जो है वो सरयू नदी के तट पर ही व्यतीत की। अगले दिन ब्रह्मकाल हुआ तो गोस्वामी जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि पता लगा उस ब्रह्मकाल के अंदर मुनि विश्वामित्र उठते हैं और उठकर के दोनों भाइयों से एक बात कहते हैं, क्या, कि विगत दिवस मुनि आए सो पाए कि संध्या करने चले तो भाई अरुनयन और बाहु विशाला नील जलज तन श्याम तमाला कटिपट पीक कसे विगत दिवस मुनि आए पाए संध्या करने चले तो
कमल जैसी आंखों वाले और अजान बाहु श्री राम को आवाज लगा करके मुनि विश्वामित्र ने जगाया और कहा, राम उठो, शौचादि से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके भगवान की ध्यान करो, संध्या करो। एक प्रश्न कई बार उठ जाता है कि जब जब धर्म की हानि हुई तब तब परमात्मा ने अवतार लिया, त्रेता में श्री राम जी के रूप में, द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में, और कलयुग में भी एक अवतार है, बहुत चल रहा है। अब आप विचार करना, चिंतन करना, यदि श्री रामचंद्र जी स्वयं परमात्मा है तो मुनि विश्वामित्र जी उनसे किसकी संध्या करने के लिए कह रहे हैं? देखो मेरी मातो बंधुओ, परमात्मा तो संसार में एक ही है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न पुच्छते, वो दो चार पचास नहीं है। और परमात्मा नस नाड़ियों के बंधन से बिल्कुल परे है। अगर वो अवतार लेकर के एक देश में उतर आएगा तो बाकी इतना बड़ा ब्रह्मांड फिर बैठ करके कौन चलाएगा, जरा सोचो। और जो शरीर में आ गया वो सर्वदेशी कभी नहीं हो सकता, वो एक देशी होगा, और एक देशी से इतने बड़े ब्रह्मांड की व्यवस्था बोलो चल नहीं सकती। इसलिए मेरी मातो बंधुओं, ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वेद की विचारधारा को अपने जीवन में अपना करके, धर्म को अपने जीवन में स्थापित करके मनुष्य इतना ऊपर उठ सकता है कि लोग उसे भगवान कह दें। परमात्मा तो एक ही है पर भगवान बहुत सारे हो सकते हैं। भगेश्वरी एक धातु आती है जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, विद्या हो, विनम्रता हो, धर्म हो, धैर्य हो, जिसमें ये छह प्रकार के लक्षण होते हैं उसको भगवान कहकर के संबोधित किया जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो, बहुत धार्मिक हो, तो हम क्या कहते हैं, अरे ये तो बिल्कुल, जोर से बोलो, भगवान। श्री रामचंद्र जी की गुणवत्ता का स्तर इतना ज्यादा था कि वो पूरे संसार में पूज्य हो गए, पर जानते हो जो पूज्य हुए वो भी पूजा करते थे। किसकी करते थे? निराकार परमात्मा की पूजा करते थे। और अगर राम संध्या करते थे तो हमें भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के, करनी चाहिए ना, पक्की बात है ना, हाथ नीचे करो। कौन कौन करता है दोनों समय भगवान की संध्या? काफी लोग बैठे हुए, एक बार जोरदार अपने लिए ही तालियां बजाओ। अच्छा अब ईमानदारी देखते हैं, चलो पानीपत वालों की कितनी ईमानदारी है। जो संध्या नहीं करते वो हाथ उठाओ जल्दी से, क्या बात है, सारी गुणवत्ता बैठी हुई है, बहुत इनके लिए भी तालियां बजाओ। जो सत्य को स्वीकार किया वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं निवेदन करूंगी आप लोगों के सामने, अगर भगवान श्री राम संध्या करते थे, महर्षि विश्वामित्र संध्या करते थे, यदि लक्ष्मण संध्या करते थे, तो हमें भी करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बोलो? संध्या क्या है? उस भगवान का धन्यवाद, बस। वो आप पर निर्भर करता है, आप उसे बैठ करके 15 मिनट में कर लो, आप आधा घंटे में कर लो, आप एक घंटे में करो, चाहे ऋषियों की तरह 6-6 घंटे बैठे रहो, वो अपने समय के अनुकूल व्यवस्था बना लो, लेकिन करो जरूर। आज आप देखो इस्लाम जगत में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो 5-5 समय नमाज पढ़ने में कोई आलस नहीं कर दे, कोई प्रमाद नहीं करते। घरोंडा के अंदर ज्यादा दूर नहीं है, 9 किलोमीटर की दूरी पर है, जाकर के देख लेना। एक प्रेस करने वाले भाई हैं, उनके यहां से मस्जिद लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है उस व्यक्ति का, और वो 5 समय दिन में 1.5 किलोमीटर आना और 1.5 किलोमीटर जाना, एक चक्कर कितना हो गया, 3 किलोमीटर, और 3×5=15,
15 किलोमीटर का प्रतिदिन वो व्यक्ति तेल फूंकता अपनी मोटरसाइकिल से, और जब वो जाता आता होगा और नमाज पढ़ता होगा तो उसका समय भी वहां पर खर्च होता है कि नहीं होता है? उसका प्रेस करने का काम है, केवल और केवल केवल प्रेस का काम। विश्वकर्मा चौक के पास उसकी दुकान है, लेकिन फिर भी प्रतिदिन वो 5 समय आता भी है और जाता भी है। एक दिन मैंने कहा, भैया कुरान कहती है खुदा तो हाजिर नाजिर है, तो मैंने कहा यही बैठ करके आप नमाज पढ़ लिया करो। तो बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो दीदी? मैंने कहा आपका टाइम छूटता है, तेल फूकता है, दुकान का भी काम प्रभावित होता है। तो जानते हो उत्तर क्या था? दुकान में चाहे आग लग जाए लेकिन मेरे लिए नमाज जरूरी है, खुदा की इबादत जरूरी है। और हमारे वालों को कह दे कोई भगवान का ध्यान किया करो, तो जानते हो क्या कहते? बोले जी हमें तो जहर खाने की भी फुर्सत नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास। और जो ये कहते हैं ना टाइम नहीं है हमारे पास, मैंने उनके लिए 2 पंक्ति लिखी थी, आप कहो तो सुना दो। पक्की बात है कि तू प्रभु नाम भूला, कि तू प्रभु नाम भूला, कि तू प्रभु नाम भूला, क्यों भरी जवानी में जीवन ये डुबा डाला, चुल्लू भर पानी में जीवन ये डुबा डाला, चुल्लू भर पानी में तू प्रभु नाम भूला, क्यों भरी जवानी में। अरे प्रभु नाम भूला, क्यों भरी जवानी में जीवन ये डुबा डाला, चुल्लू भर पानी में जीवन ये डुबा डाला, चुल्लू भर पानी। डुबा डाला चुल्ल।
डोबा डाला चुल्लू भर पानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, 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 चुल्लू भर पानी में। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।